ये देखो यहाँ पे ये एक ऑडी खड़ी हुई है, ठीक है, और ये खड़ी हुई है RM 1500। ये चेक करो, जगवार, BMW, GMC, ऑडी, इस तरह स्कैप में सारी कार्स होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ स्क्रैप यार्ड में और देखते हैं जाके वहाँ पे कौन कौन सी कार्स हैं। स्क्रैप के अंदर रेंज रोवर तो नॉर्मल होती है वहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके इंजन वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसलिए वहाँ पे पड़ी होती हैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज़। चलती हुई गाड़ियाँ भी होती हैं, रनिंग कंडीशन में भी होती हैं, और ये कार्स जो है इवन के डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और जहाँ मैं ट्रैफिक में बहुत खड़ा हुआ था, सिग्नल फाइनली खुल गया, 4-5 सेकंड के लिए खुलता फिर बंद हो जाता है। ट्रैफिक की कंप्लेन मुझे हमेशा रहती है, आप लोग कहोगे जब भी मैं यहाँ से दुबई से शारजा जा रहा हूँ। खैर चलते हैं वहाँ जाके, आगे मैं आपको डिटेल्स भी देता हूँ और कार्स दिखाता हूँ कौन कौन सी, और बहुत चीप प्राइस में मिलती हैं, कितने की मिलती हैं ये भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये रोड है, ठीक है, अभी अभी ओपन हो रही हैं शॉप्स क्योंकि 4 बजे तक बंद होती हैं, तो उसके बाद ये अंदर का कुछ माहौल आपको मैं दिखाता हूँ। ये हैं इंजन्स डिफरेंट, देखो अलग अलग होके इंजन पड़े हैं यहाँ पे, हर ब्रांड हर कंपनी के, और उसके बाद जो है यहाँ पे सब इंजन वगैरह। ये देखो ये गियर पड़ा हुआ है, और ये इंजन है, ये होंडा का है। इस तरह ऑडी, BMW, मर्सिडीज सबके इंजन मिलते हैं वहाँ पे, वो हेड खोला हुआ है इंजन का, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे इंजन उठा रहे हैं इस क्रेन के ज़रिए, लिफ्टर से इंजन उठा के आगे पीछे रखते हैं, जिसको जो इंजन चाहिए फिर देते हैं। और ये गरारियाँ वगैरह छोटी छोटी चीज़ें सारी यहाँ पे, जिसको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से लेके जा सकता है। इवन के ये स्पार्क प्लग्स भी पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो, ये एक इंजन पड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ अलग अलग करके रखी हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त सीन है ये। अच्छी इस तरह होती हैं स्क्रैप यार्ड से कार्स उठा के, उनके इंजन अलग करके, एक एक चीज़ अलग करके, या फिर अबैंडन कार्स जो ऑक्शन से उठा के, इस तरह स्पेयर पार्ट जो है ना अलग अलग मिलते हैं। ये रखी है जिस तरह रेंज रोवर पड़ी हुई है, इसके आपसे उठाई हुई काट के रखी है, इसका ये फ्रंट से काटा हुआ है, वो नोज कट पड़े हुए हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स, मतलब लाइट्स वगैरह भी अंदर है, इसमें डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स जो है ना वो सारे मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये बाइक्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, सारी स्कूटरी वो काट वगैरह फिर वो गया ऊपर से भाई, आगे देखिए चलो। अच्छा यार ये देखो जिस तरह ये यार्ड है, इसमें सिर्फ चेसिस पड़े हुए हैं, यानी कि अंदर से कुछ नहीं है, ये मैंने फर्स्ट टाइम वैसे देखा है कहीं पर, सिर्फ चेसिस हों, तो ये सीन है इनका यहाँ पे। तो अभी चलते हैं जहाँ पे पूरी कार्स हैं वो देखते हैं। अच्छा यार ये देखो ये GMC अकाडिया खड़ी हुई है, ठीक है, मैं आ गया हूँ फर्स्ट गैराज के अंदर, यहाँ पे हर बहुत सारी कार्स टैक्स भी पड़ी हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये फोर्ड खड़ी हुई है एक्सप्लोरर, और उसके बाद जो है ये पजेरो है, उसके बाद ये होंडा की खड़ी हुई है, उसके बाद RAM 1500 है, बहुत सारी कार्स हैं, हर टाइप की कार्स हैं यहाँ पे करती हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी गाड़ी देते हैं या फिर स्पेयर पार्ट आप लोग ले सकते हो। तो जिस तरह के ये गाड़ी यहाँ पे कट रही है, शोर वगैरह होगा, पीछे रेंज रोवर भी खड़ी हुई है, पिजिट तो देखता हूँ कौन कौन सी कार। ये देखो यहाँ पे ये एक ऑडी खड़ी हुई है, ठीक है, और इसके मामला देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कहीं से ना कोई क्रैश है ना कोई डैमेज है, और उसके बाद जो है देखो कैसे खड़ी हुई, और ये चलने की कंडीशन में होती हैं, Q7 इनके इंजन वगैरह जो है वो सेल होते हैं। इवन के बंदा पूछे कि कोई भी चीज़ इनकी ख़राब अगर हो तो वो रिपेयरेबल तो होती है ना, ठीक है। ये इसका इंटीरियर है, इंटीरियर भी देखो कितना कमाल है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन की कार्स जो है ना यहाँ पे, ये देखो। और ये कार देखो इसकी सीट पीछे से खोली हुई है, ओहो, ये इसका इंटीरियर है ऊपर से, कमाल गाड़ियाँ यार, ये देखो कैसी न्यू कंडीशन की कार्स जो है यहाँ पे, हाज़फी ऑडी यार। अच्छा यहाँ पे ये मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, ये चंगान की गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने इसे पूछा, ये कह रहा है 7000 की है, लेकिन गाड़ी जो है ना ये स्टार्ट नहीं है, 7000 की, इंजन वगैरह भी इसके अंदर है, नीचे इसके शेवले खड़ी है, मैं फ्रंट से भी आपको दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी यार अभी ऊपर है, वरना मैं इंटीरियर खोल के आपको इसका दिखाता हूँ। इस तरह बहुत सारी कार्स हैं, फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। होंडा CR-V भी है यहाँ पे, ये देखो ये चंगान फ्रंट साइड से, कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, बाकी और भी है। ये देखो यहाँ पे ये ऑडी भी खड़ी हुई है, ऑडी हो गई, मिट्सुबिशी हो गई, उसके बाद यहाँ पे ये BMW है, फोर्ड है, होंडाई है, होंडा यानी कि हर टाइप की गाड़ी यहाँ से जो है वो मिल जाती है। और ये देखो ये CIVIC खड़ी की हुई है, इसका भी सारा स्पेयर पार्ट वगैरह खोला हुआ है, कैमरी वगैरह ये वो हर टाइप की कार है। GMC अकाडिया यार बहुत प्यारी है इनसाइड से भी, ये देखो ये स्पेयर पार्ट इनके खोल के भी रखे हुए हैं, और ये रेंज रोवर पूरी की पूरी खड़ी हुई है यार। तो इस तरह का नेक्स्ट लेवल है भाई यहाँ पे, कटिंग वटिंग ये वो हो रही है। आगे चलते हैं किसी और गैराज में। ये देखो यहाँ पे ये मर्सिडीज़ है,
और निसान है, पीछे लेक्सस है, ये करोला खड़ी हुई है, ये तो खैर बहुत ही पुराना मॉडल है यहाँ के हिसाब से, और ये लेक्सस खड़ी हुई है, ये काफ़ी प्यारी लग रही है देख रहे। तो टायर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, रिम्स वगैरह ये सब कुछ। ये खड़ी हुई है रैम 1500, ये चेक करो। ये है जी बैक साइड से रैम 1500, ये होंडा ओडेसी खड़ी हुई, ये जो खड़ी हुई ना है पजारो टू डोर, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे पजारो टू डोर की। यार ये नेक्स्ट गैराज है, ये देखो ये BMW, उसके पीछे ऊपर इन्फिनिटी और बहुत सारी ऐसी कार्स हैं। आगे बहुत कंजस्टेड से एरिया, जाके अंदर देखते हैं। और यहाँ पे अगर शोर वगैरह हो रहा था, ट्रक वगैरह जा रहे हैं इसलिए शोर हो रहा है, तो खैर अंदर चल के देखते हैं। साथ और भी गैराजेस वगैरह हैं वहाँ पे, लेकिन अभी अंदर चलते हैं। यार यहाँ पे ये देखो ये पोर्श है, इसको उठा रहे हैं क्रेन से, और उसके बाद ये गाड़ी है ये कट रही है गैस वेल्डिंग से, और ये BMW ऑडी वगैरह सारी करिए। ऑडी के मुझे रिम्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं रिम्स का पूछता हूँ। ये देख रहे हो रिम्स बिल्कुल एक न्यू कंडीशन के है, तो मैं देखता हूँ उसको पूछता हूँ। अच्छा खैर ये ऑडी है, और ऑडी का मैंने रिम का पता किया था, वो कह रहा है कि ये 1200 दिनों में मैं दूंगा रिम्स। रिम मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं वैसे, और टायर्स भी इसके देखो कंडीशन वाइज सही हैं, और इसकी प्राइस 1200 दिरहम बोल रहा है वो, लेकिन प्राइस बोलने में और देने में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। ये देखो नीचे से, और इसको मैं बैक से दिखाता हूँ ज़रा आप लोगों को, काफ़ी ऊंची पड़ी हुई है। ऑडी A4 है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा। और इनमें से मोस्टली कार्स के जो पेपर्स वो कैंसिल हैं, यानी कि ये UAE के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकती, इसलिए इसको काट रहे हैं। वरना जो आके लोग यहाँ पे इसको पूरी पूरी ख़रीदते हैं, वो इसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस तरह वो निसान है मुरानो। अच्छा खैर निसान मुरानो की ये जो खड़ी ना, इसकी तो मार्केट नहीं है यहाँ पे, ये 4-5 हज़ार की वैसे ही मिल जाती है आपको चलती चलाई पेपर्स के साथ सब कुछ। ठीक है ये मिट्सुबिशी है यहाँ पे पड़ी हुई, यानी कि स्पेयर पार्ट भी हर गाड़ी के मिल जाएंगे, कुछ पेपर्स वाली कार्स भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिल भी जाती है। मोस्टली जो केसेज हैं उनमें पेपर्स नहीं यहाँ पर बन सकते। ये देखो ये BMW, इसके रिम्स चाहिए हों रिम मिल जाएंगे, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ से, आप लोगों को डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स मिलने में आसानी हो जाती है। जो कार्स मुझे अच्छी लग रही हैं वो ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, इसलिए ये देखो ये टायर्स पड़े हुए हैं, ये कम्प्लीटली इनके रिम्स मिल जाते हैं, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ये। अच्छा यहाँ पे ये मज़्डा खड़ी हुई है, ये डॉज खड़ी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये टोयोटा है, लेकिन टोयोटा के नीचे देखो फिर एक और ऑडी खड़ी हुई है, ये नीचे नीचे खड़ी हुई है, और इसके रिम्स भी ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, इनके रिम चाहिए हों। ये GMC की गाड़ी भाई, ये फिर ऊपर BMW, ठीक है, ये BMW, साथ ही जगवार BMW, GMC, ऑडी, इस तरह स्क्रैप में सारी कार्स होती हैं। ठीक है ये है जी जगवार, और इसके जो रिम्स हैं वो देख लो, ब्लैक कलर के रिम्स हैं इसके, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। कौड़ी कहने जी भी पहले जगह और ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो, ये वो वाला सीन है। और ये फ्रंट से BMW का व्यू और बाकी कार्स का ये सीन है इसका। ये जो है ये स्टार्ट गाड़ी है, ठीक है, वो कह रहे हैं स्टार्टिंग की भी गारंटी है, इंजन भी इसके अंदर है, लेकिन ये एक्सपोर्ट तो हो जाएगा ना डिफरेंट कंट्री में। ये इसका इंजन, खैर वो कह रहा है कि इसकी चाबी ले लो मेरे से, आप चला के देख लो गाड़ी, चलती भी सही है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा भाई साहब इधर ही खड़ी रहा, क्योंकि आगे ये पड़े हुए हैं, फिर वो पड़े हैं, हल्की सी ठुक गई, फिर ये जो कबाड़ वाली गाड़ी है इसका अलग ही ना रेट मांगने लग पड़ा। मैंने कहा नहीं सही है भाई, स्टार्ट होती है, मैं मानता हूँ सही है सब कुछ। तो ये सीन आ गया यहाँ पे, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में कहता एक्सपोर्ट पेपर, मतलब कैंसिलेशन पेपर दे दूंगा, एक्सपोर्ट पेपर बनवा के उसको जो है ना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और कंट्री में, सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस तरह के सीन होते हैं यार। ठीक है ना, ये देखो एक मिनी पजारो खड़ी हुई है यहाँ पे, आपको दिखा, ये देखो ये मिनी पजारो है, ठीक है 660 cc वाली, और ये राइट हैंड ड्राइव है सर, जापनीज़ गाड़ी है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो इतने छोटे इंजन वाली कार्स होती नहीं है, ना ही चलती हैं, तो ये राइट हैंड ड्राइव कार है, चाबी वाबी सब कुछ अंदर है। राइट हैंड ड्राइव कार भी स्क्रैप में मिलती है, ये मैंने फर्स्ट टाइम वैसे देखी है राइट हैंड ड्राइव कार स्क्रैप में, बाकी सीट्स वगैरह ये वो सब कुछ मिल जाता है। तो देखते हैं आगे, जगवार आप लोगों ने देख ही ली है कंडीशन, इसकी कंडीशन बस ठीक है, गुजारा है। इंटीरियर मतलब इतना क्लीन नहीं है, बाकी क्लीन होने वाली है, बाकी ये नहीं है कि एक्सीडेंट है या कुछ भी, कलर वगैरह भी ठीक है, लाइट्स वगैरह भी क्लीन होगी आगे से। तो ये जो है ना 7000 दिरहम इसके मांग रहा है, 2010 मॉडल जगवार है यार। ये इसकी गाड़ी है, ठीक है, और ये लॉक है फिलहाल BMW, तो ये भी काफ़ी, ये भी चलती हुई गाड़ी है, अभी इंजन वगैरह दिखाएंगे इसका, बाकी देख लो इसके ऊपर भी गाड़ी रखी हुई है उन्होंने,
अभी लॉक है ये शायद, मैं अभी लॉक इंटीरियर खोलेगा इसका, लॉक खोलना ज़रा। तो ये है बैक साइड से, और इसके ये एग्जॉस्ट पीछे दो लगे हुए हैं, इसके बम्पर लगा हुआ है 523i। मेरे ख्याल से हमने जो सेल की थी 520i थी मेरे ख्याल से। एक मिनट अंदर से ज़रा थोड़ा सा मुझे। ये इसका इंटीरियर, इसकी सीट्स किधर हैं? सीट नहीं है, बगैर सीट्स के। तो ये है इसका इंटीरियर, एक्सपोर्ट हो जाएगी ठीक है। तो ये इंटीरियर वगैरह सही है पूरा, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सीट्स नहीं है। और ये है इसका इंजन आगे से, इंजन की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, चलने में बिल्कुल सही है। हाँ करो स्टार्ट करो, अभी ये स्टार्ट करेंगे, अभी देखना। इसमें करंट आ गया, अब ये बैटरी लो होगी शायद, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक पे पाँव रखेंगे फिर स्टार्ट होगी ना। देखो काफ़ी ज़्यादा साउंडलेस है, और इसमें इंजन में वाइब्रेशन भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा साउंडलेस है गाड़ी का। इंजन का आवाज़ तो काफ़ी अच्छा है इसका, क्यों आवाज़ होता है? हाँ एक इसके अंदर से 229,000 किलोमीटर चली हुई है। ये है इसकी कंडीशन, अच्छी है। हेलो, लेकिन इसकी सीट्स जो है ना वो नहीं है, बस बाकी सब पूरी है गाड़ी। ये सीन है इसका, ठीक है। ये हो गई BMW, अब आगे चल के और देखते हैं। इन्फिनिटी, मिट्सुबिशी, ये GMC भी खड़ी हुई है यहाँ पे, अकाडिया। तो गाड़ी तो आपको हर टाइप की मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है गाड़ी ना मिले आपको। ये GMC अकाडिया, खैर और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे शहकार हमें मिलते हैं। ये यहाँ पे एक क्राइसलर है जो कि रोल्स रॉयस की कॉपी डेफिनेटली की हुई है, मिट्सुबिशी वगैरह। इस साइड पे क्या देखो, ये रेंज रोवर खड़ी हुई है, रेंज रोवर, BM, ऑडी, मर्सिडीज, हर टाइप की कार है भाई, ईजिली मिल जाती है। कार की कटिंग हो रही है यहाँ पे, ये टैक्स में कार पड़ी हुई है। यार एक BMW है वहाँ पे, वो बहुत प्यारी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मुझे बहुत प्यारी लगी है BMW। यार ये ऑडी है, बहुत प्यारी लग रही है, इसके रिम्स भी अच्छे हैं, इसके भी रिम्स अच्छे हैं, और ये 17 इंच के हैं, और ये रिम्स अपने सिविक वगैरह या दूसरी किसी गाड़ी में भी आ सकते हैं। तो ये देख लो, और फ्रंट से देखो इसकी लाइट्स वगैरह कितनी क्लीन है, दूर से दिखा दो थोड़ा सा, ये देखो ठीक है। ये इसकी लाइट्स चेक करो, काफ़ी ज़बरदस्त क्लीन गाड़ी है, लेकिन स्टिल स्क्रैप में आ गई है, और कैंसलेशन पेपर है इसका, कैंसिल है, ये गाड़ी कटेगी, अभी इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अभी 2008 मॉडल है, अब ये कटेगी और कुछ नहीं हो सकता इसका। ऐसी ये नीचे BMW है, और ये इसके इंजन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सीन है भाई। एक ये फोर्ड खड़ी हुई है एज, ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन की गाड़ी है। उसके साथ ये देखो, ये रेंज रोवर खड़ी हुई है। तो इस तरह हर टाइप की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कट जाएंगी गाड़ियाँ जो है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकती। तो ये सीन है, चलते हैं भाई, सैड हो गया हूँ मैं तो गाड़ियों को देख देख के, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी। ये देखो, ये है रेंज रोवर, ये BMW, उसके बाद ये है रेंज रोवर ब्लैक कलर की, फिर ये रेंज रोवर वाइट कलर की। शोर काफ़ी ज़्यादा है, इसको ज़रा थोड़ा सा बेयर करना। सामने एक और गैराज है यहाँ से बाहर निकलते, यहाँ पे भी एक कार वगैरह, सामने एक और गैराज है वो। तो इस तरह बहुत सारे स्क्रैप यार्ड हैं, एक दो नहीं बहुत सारे हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। ये सीन होता है गाड़ियों के साथ, ऐसा जुल्म होता है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कार्स एक्सपोर्ट वगैरह भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जब स्पेसिफिकली जब आके आप लोग खरीदने लगो या कुछ ऐसा करने लगो, तो तब ज़्यादा आप लोगों को पता चलता है कि भाई आखिर ये सीन है क्या।